सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नौकरी वगैरह नहीं मिली, 10 साल में बिल्कुल नौकरी मिला ही नहीं। हमसे लेते हैं 10 रुपए का, वो बेचते हैं 35 रुपए का। जो डाई था 500 का, आज जो है 1400-1600 का हो रहा। कहाँ से किसान क्या खेती करेगा? किसान तो आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश में आंदोलन हुए हैं। वो सब भ्रष्ट है। ठीक कैसे ठीक है इनकी सरकार? इनकी सरकार ठीक नहीं है। जो ये कोई पढ़ाई हो, प्राइवेट पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो आपको जब पैसा आपके पास है तो आप प्राइवेट पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं कर सकते। इतना भी नहीं हुआ है कि जितना महंगाई बढ़े। आज 80 रुपये का तेल था, आज 160 रुपये लीटर हो गया है करू तेल। सब देख लीजिए आप, थाना हो, कचहरी हो, जहाँ जाएंगे पहले पैसा, उसके बाद कोई कार्य। और पहले की सरकारों में देख लें तो गैस सिलेंडर के लिए बहुत दिक्कतें आती थी, आप लाइन में लगते थे। आज बुक करने से पहले आपको मिल जाएगा। सीसे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश की बलिया लोकसभा सीट पर है। इस सीट की मैं बात करूं तो ये एक बड़ा क्रांतिकारी क्षेत्र रहा है और यहाँ से कई सारी पहचाने हैं, जैसे जेपी आंदोलन यहाँ से हुआ और यहाँ से एक बड़ी पहचान है भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर जी, उन वे भी यहाँ से आते हैं। हम बलिया लोकसभा सीट के हैबतपुर गांव में हैं और इस गांव में हम भूमिहार समाज के बीच है जिनसे हम बातचीत करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। बलिया लोकसभा सीट से मैं अगर प्रत्याशी की बात करूं तो भाजपा से यहाँ चंद्रशेखर जी के बेटे नीरज शेखर जी को यहाँ उम्मीदवार बनाया है। यहाँ सपा से सनातन पांडे जी और बसपा से ललन सिंह यादव को यहाँ टिकट दिया है। हम भूमिहार समाज के बीच है, बातचीत करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। जी आपसे ही शुरू करते हैं। चाचा क्या नाम आपका? राम प्रकाश राय जी। नकुल राय। नकुल राय, अच्छा जी। नकुल जी क्या करते हैं आप? एक खेती बाड़ी। अच्छा, खेती करते हैं। कैसे रहे 10 साल ये खेती के आपके लिए? खेती के ये 10 साल कैसे रहे? कैसे ठीक रहे? कुछ दिक्कत परेशानी आई हो? किसान हैं आप, किसान के लिए किस तरह की चीज़ें रही है, क्या फ़ायदा आपको पहुंचा है सरकार से? सरकार से फ़ायदा कोई नहीं पहुँचा है। और जैसे हम देख रहे हैं बाकी जगहों पर कि किसान जो है वो जो आवारा पशु है या जो खुला पशु जो घूमता है उससे परेशानी हुई है आपको भी क्षेत्र? हाँ हाँ, यहाँ परेशानी आई है। किस तरह की दिक्कतें रहती है? ठीक है सर, खेत बारी जो बोया जाता है वो लोग चर देते हैं सब, तो नुकसान होता होगा। नुकसान होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे आप कह रहे थे कि हेबतपुर बड़ा गांव है, काफ़ी कई सारे समाज है, भूमिहार समाज बहुल संख्या में है यहाँ, तो रोजगार की क्या स्थिति रही है? क्या नौकरियाँ वगैरह मिली? जीरो 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 है। लेकिन अगर बात करें तो 2014 की या 19 की भी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, इस तरह की चीज़ें हुई आपके? नहीं नहीं सब अफवाह है, कोई कहाँ नौकरी को मिला है किसी को? किसी को नंबर आए नहीं? किसी को कहाँ नौकरी मिला? किसी को नौकरी नहीं मिला, सब बेरोजगार। बेरोजगारी की समस्या है? हाँ बेरोजगारी, देखिए सब लड़के सब बेरोजगार है। और अभी जो भर्ती वर्ती आई थी कैंसिल हो गई, इसमें दिक्कत परेशानी? हाँ सब कैंसिल हो गई, तो पेपर आउट हो गया। तो तैयारी करते हैं यहाँ बच्चे लोग? हाँ तैयारी करते हैं, तैयारी करते हैं, पढ़ा लिखे बच्चे तो तैयारी कर रहे हैं। सब मोबाइल चलाते हैं। यह है कुल का नाम। चलिए ठीक है। तो कहाँ आप सोच रहे हैं वोट करने की इस बार? भाजपा। और पिछली बार कहाँ किए थे? भाजपा किए थे अगले वोट। आप कह रहे हैं कि रोजगार की समस्या है और भी दिक्कतें हैं, अब फिर भी लोग देखते हैं। लगभग कितना आपको लगता है, कितना प्रतिशत भूमिहार समाज जो है बढ़ सकता है? पिछली बार को पिछले 30-40% इस बार बढ़ सकता है? हाँ जी। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? हाँ राम, रामाशीष राय। राय साहब जी, कैसे रहे 10 साल सरकार के? 10 साल ठीक रहे, लेकिन इसमें कोई काम नहीं हुआ, सब बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं। हम लोग तो एक आर्मी से रिटायर्ड हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जो बच्चे हैं सब बिल्कुल बेकार हो रहे हैं। नौकरी वगैरह नहीं मिली? 10 साल में बिल्कुल नौकरी मिला ही नहीं। 10 साल ऐसे ही मतलब केवल हो हल्ला हो रहा है कि हाँ भाई नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलेगा।
बच्चे पेपर दे के आते हैं, पैसे खर्च करके कहाँ से आते हैं, और उसके बाद क्या तो पेपर लीक हो गया, काम खत्म। तो पेपर लीक हुआ, ये समस्या बनी बच्चों का? समस्या बनी हुई है, क्योंकि बच्चे कहाँ कहाँ से पेपर दे करके आते हैं और उसके बाद से उनका 10 साल पीछे चले गए, तो 10 साल में उनका एज खत्म है, तो बेरोजगार हो गए। तैयारी कर रहे थे लंबे समय से? आपके बच्चे हैं? हाँ बच्चे हैं, यहाँ CTET का परीक्षा होता है, तब तक क्या तो भाई कैंसिल, बच्चे एग्जाम देके बिहार से आए वो भी कैंसिल। अब ये बताइए यहाँ से बेगूसराय कहाँ कहाँ हमारे बच्चे जाते हैं और उसके बाद आते हैं, तो क्या तो भाई पेपर दे करके आए, रिजल्ट निकल, रिजल्ट कहाँ निकल रहा, वो तो कैंसिल हो जा रहा। तो कह रहे हैं यूपी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, योगी जी बहुत अच्छे? कहीं अच्छा नहीं है, कहीं अच्छा नहीं है। क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड होकर के जो है अपना खेती बड़ी कराता हूँ। अभी खेती कर रहे हैं? खेती में किस कैसे रहे खेती के लिए? खेती हम लोग जैसा करते हैं वैसा ठीक है, लेकिन यहाँ से बाजार में जाता है, जो लौकी है 20 रुपये का होना चाहिए, जो है बिचौलिया जो है 5 रुपये और 10 रुपये के लेते हैं, तो कहाँ से होगा? किसान का भी कुछ ये होना चाहिए ना कि भाई वो पैदा करता तो उसका भी हक है कि भाई मेरा इतने का बिकना चाहिए, उसका कोई हक नहीं है। किसान का सस्ता खरीदते हैं आगे में? हाँ वो हमसे लेते हैं 10 रुपये का, वो बेचते हैं 35 रुपये का, तो हम लोग कहाँ आगे हैं। महंगाई का भी असर हुआ है खेती पर? महंगाई का बहुत बड़ा असर है, जो डाई था 500 का, आज जो है 1400-1600 का हो रहा, कहाँ से किसान क्या खेती करेगा, वो सब छोड़ के भाग रहे हैं भाई, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जाके नौकरी कर रहे हैं। और ये आवारा पशु वगैरह से क्या समस्या है? आवारा पशु से बहुत समस्या है, आवारा पशु ऐसे घूम रहे हैं और बाकी कह रहे हैं लोग कि इनका ये बना हुआ है उसमें लेके जाने के लिए, लेकिन कहीं नहीं कोई लेके जाता है। गौशाला वगैरह नहीं बनी हुई है? गौशाला यहाँ पे नहीं बना हुआ, बलिया में जो है नहीं है वो, कहाँ? हाँ इसका पता ही नहीं है। अच्छा वोट कहाँ कर रहे हैं आप फिर? वोट जहाँ हमारा दिल करेगा वहाँ वोट कर देंगे, हम बताएं क्यों अपना वोट कहाँ करेंगे। पिछली बार मोदी जी को किए थे, नहीं इस बार नहीं करना है। तो इस बार क्या मन नहीं बना है अभी या क्या? मन नहीं इसलिए बना क्योंकि भाई मान लीजिए हम लोग भी तो अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं कि भाई मान लीजिए खेती करें और उससे कोई फायदा ही नहीं हो तो हम क्यों करना है खेती जो है, उससे अच्छा कि हम लगान पे दे दें, सबसे बेस्ट है। अच्छा जैसे अभी चाचा के बता रहे थे कि पिछली बार एक तरफा भूमिहार समाज बीजेपी पे गया था, इस बार क्या देख रहे हैं आप इस चुनाव में? इस बार जो है ना, इस बार देखिए कहीं हो सकता है जो है ना 50% इधर हो 50% उधर हो सकता है, मान के चलिए, वो भी कोई क्लियर नहीं। क्या नाम भैया जी? राधे श्याम राय। अच्छा राय जी, आप भी राय जी हो जी? अच्छा, क्या करते हैं? हम तो गृहस्थी में हैं। अच्छा किसमें समझे? गृहस्थी में, खेती। अच्छा घर खेती बाड़ी वाला काम है। कैसे रहे खेती के लिए 10 साल आपके? बहुत बुरा रहा। इस तरह की दिक्कत ऐसा है कि यूरिया भी है तो महंगी है, पानी का भी रेट महंगा है, डीजल पेट्रोल का भी महंगाई है, तो किस चीज़ को कहा जाए कि सुधार में हुआ है? मोदी जी का कार्यकाल कर रहे हैं कि ठीक है रोड का काम हो रहा है, वो सही काम हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी का जो भी काम है ठीक है, लेकिन सांसद विधायक का काम ठीक नहीं है, इसलिए कि कोई भी यहाँ का सांसद विधायक होता है तो हमारे हैबतपुर में नहीं, किसी क्षेत्र में नहीं जाता है घूमने के लिए कि क्या हुआ नहीं हुआ, कौन मरा कौन जिया, क्या हाल है क्या नहीं हाल है, कोई नहीं जानता है। अब इतने लोग भी हैं, यहाँ का लोग भी है, हमारे नीरज शेखर यहाँ के हैं, हम लोग एक बार ट्रांसफार्मर के लिए बढ़ाने के लिए गए थे, तो अगले चुनाव में जो मुलायम के सरकार में थे तो कह रहे थे कि हैबतपुर ग्राम कहाँ है, जो कि यहीं पर चंद्रशेखर नगर पड़ता है, तो ये बताइए। और कहे कि अपना जो है कि बिल का वो कनेक्शन बढ़वा लीजिए, उसके बाद आपका कनेक्शन बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा ट्रांसफार्मर का, तो कहे आ करवाए नहीं आ, तो फिर उसके बाद जब आए तो हम बोलता है कि आप किए नहीं, आप फिर आ गए वोट मांगने, तो ऐसे करेंगे तो फिर अगले बार आएंगे तो ऐसे जवाब आपको लगेगा, तो बताया गया उस साल वो जीते नहीं हार गए, तो उसको छोड़िए। और जो है कि देखिए मोदी का जो कार्यकाल चल रहा है ठीक चल रहा है, लेकिन सांसद विधायक उन्हीं के नाम पर जीत रहे हैं, उन्हीं के नाम पर जीत रहे हैं, काम कुछ नहीं है, इन लोगों का काम कुछ नहीं है, कहाँ क्या बिगड़ रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसका नाली बनना चाहिए। अब देखिए यहाँ का नाली जो है, ये मेन रोड का नाली है, ये अभी तक बना नहीं, कितने वर्ष हो गया। यहाँ से नेता विधायक जितना भी आते हैं ये नहीं कहते हैं कि ये नाली का काम होना चाहिए, कार्यकाल में कोई नहीं करवाया है, या भाजपा का हो
या मतलब ये सपा का हो, सांसद जी नहीं करा। सांसद जी आए नहीं गाँव आपके? कई बार आए हैं, हमारे यहाँ जोगी जी का प्रोग्राम लगा था, ये यहाँ पर स्कूल पर लगा था, ग्राम पंचायत भवन पर। उन लोग ऐसा है कि उनसे मिलने ही नहीं दिया जाता है, कि उनसे मिलकर कोई यहाँ का दुख दर्द कहे, जो भी है वहाँ पर घेर लेता है उन्हीं के आदमी। जितने चमचे रहते हैं यहाँ का गांव का हो या शहर का हो, घेर कर वहीं रह जाते हैं और वही बताते हैं कि नहीं सही है। सांसद जी से आप नाराज? हाँ, राशन का जो भी है तो राशन में भी चोरी हो रहा है, कितना ही चोरी रोक रहे हैं, चोरी रुक नहीं रहा है। 2 किलो राशन कम मिल रहा है, मशीन में फॉल्ट है, और उन कहने पर क्या तो नहीं ठीक है तो ठीक है, अपने यहाँ कंटा पर लगाइए तो 2 किलो राशन कम हो जाता है। तो कितना होगी? सरकार चाहती है कि नहीं हम सुधार लाएं, लेकिन सुधार आने वाला नहीं है। जब तक सांसद विधायक यहाँ का सुधरेंगे नहीं, तब तक यहाँ का अर्थव्यवस्था गड़बड़ ही रहेगा, ये समझ लीजिए। गाँव में उन लोगों को घूम घूम कर देखना चाहिए कि क्या यहाँ की नाली की व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था है। अभी इस रोड का बात कर रहे हैं, इस रोड का पैसा पहले ही पास हो चुका है, वो ले चुका है ठेकेदार। काम हुआ है अभी 5-6 महीना के अंदर, क्या अभी 20 दिन के अंदर काम हुआ है, 20 दिन के अंदर काम हुआ है उसका। वो भी कितना एप्लीकेशन पड़ा है, उसके बावजूद काम हुआ है। चुनाव आने के चुनाव आने का टाइम, जब चुनाव आया तब सर पर उसकी गर्मी चढ़ी, इतना जो है एप्लीकेशन देने के बावजूद। तो ये आप बता सकते हैं, हम बता रहे हैं। तो ये नाली जो है रोड पर बह रही थी, हम लोग वीडियो बना कर दे रहे हैं, जोगी जी के यहाँ दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन सरकार तो आप ही की है। तो देखिए, सरकार तो है, सरकार का काम, मोदी जी का काम तो ठीक चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो सांसद विधायक है, सबसे मतलब कि वो गए गुजरे हैं, वो भी तो मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं तो, लेकिन जाना चाहिए ना, दुख दर्द समझना चाहिए ना। इसीलिए मोदी बनाए हैं। सांसद विधायक किस लिए बनाया जाता है? प्रधान किस लिए बनाया जाता है? गाँव का समस्या होगा तो प्रधान देखेगा, उसका जिला का समस्या होगा तो सांसद देखेगा, उसके बाद से नगर का समस्या होगा तो नगर पालिका का देखेगा, फिर उसके बाद विधायक है ना। अच्छा, उसी तरीका से है। एक चीज बताइए, आप इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी नाराजगी है, तो वोट आप किधर सोच रहे हैं? देखिए, वोट के बारे में हम बताएंगे नहीं, लेकिन ये हम बता सकते हैं कि इस साल तो बहुत लड़ाई में चल रही है, मैच लड़ाई में चल रहा है, ये समझ लीजिए। सपा बसपा की लड़ाई जबरदस्त है, और वो भी बलिया में, बलिया में तो टॉप चल रहा है भाजपा, भाजपा हाँ दोनों में। तो आप जैसे यहाँ यूपी में पिछली बार आपने कहाँ वोट किया? भाजपा में किया था एकदम। लेकिन इस बार आप कह रहे हैं? देखिए, हम लोग तो नाराज हैं, लेकिन मूड चेंज कर रहे हैं, इसलिए आगे यहाँ का सांसद विधायक को लेकर हम लोग चेंज कर रहे हैं, समझ गए ना। नहीं तो मोदी के चलते नहीं, जोगी के भी चलते नहीं, उनका भी कार्यकाल ठीक चल रहा है। जी भाई, क्या नाम? इधर आ जाओ थोड़ा सा, दूंगा। क्या नाम आपका? संतोष कुमार तिवारी। संतोष जी, कैसे रहे 10 साल? बहुत अच्छे। किस तरह के अच्छे रहे, क्या काम लगे आपको? बहुत बढ़िया काम हुआ है। बताइए कुछ काम बताइए कि बढ़िया काम दिख नहीं रहा है। पहले हम लोग बनारस जाते थे, 6 घंटे लगता था, आज 2.5-3 घंटे में पहुंच जाते हैं। काम नहीं है, जैसे लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, इन मुद्दों पे भी कुछ हुआ है? जब कोई विकास होगा तो महंगाई होगी, है कि नहीं? पहले आप मजदूरी करते थे तो 300-250 रुपया आपका चार्ज होता था, ठीक है? आज आपका चार्ज 500-600 रुपया है कि नहीं? कहाँ महंगाई है? चीज़ें भी तो बढ़ी हैं, दूध, चीनी, दाल, तेल, इन सब पे रेट बढ़ गए हैं। फिर तो वही घर खर्च चलाना, रसोई चलाना बड़ी दिक्कत है, अगर उस तरीके से देखें तो। अगर आप कहेंगे कि हम खेत में इतना यूरिया डाई डालते हैं महंगा लाकर, तो दूध महंगा नहीं होगा? लेकिन खेती में भी तो समस्या है ना, उस तरह की आमदनी किसान को नहीं हो रही है, उसकी फसल का रेट नहीं मिल रहा है, MSP की मांग कर रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहा है? पहले आप 20 रुपया गेहूँ खरीदते थे, अभी तो गेहूँ बहुत महंगा है, है ना? तो किसान को उस तरह से तो रेट नहीं मिल पाता ना, उसकी फसल का जितनी लागत लगती है।
काहे नहीं मिलती है। किसान तो आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश में आंदोलन हुए हैं, वो सब भ्रष्ट हैं। इतने सारे किसान और अच्छा वोट कहाँ कर रहे हैं आप? भाजपा को। और पिछली बार भाजपा को? तो ये लोग तो कह रहे हैं कि भाई कुछ इस बार बट भी सकता है। सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, जिसको जहाँ इच्छा करेगा वहाँ देगा। आप भाजपा के साथ? बिल्कुल है। चाचा क्या नाम हुआ आपका? केदारनाथ राय। केदारनाथ राय जी, हाँ। अच्छा चाचा, क्या लगता है 10 साल सरकार को हो गए, कैसा काम रहा सरकार का? सरकार का कैसा, कोई काम नहीं रहा बढ़िया। अच्छा नहीं लगा कुछ? ना कुछ नहीं, नहीं बना है। इस तरह की दिक्कतें रही? हाँ सब दिक्कतें है हम लोगों की। पेंशन मिलती है आपको? नहीं। वोट किधर कर रहे हैं? वोट तो हम लोग अब करेंगे, जब अभी तो अब ना बहिर नहीं कर रहे हैं, कुछ कही नहीं रहे। सोचा नहीं है अभी? नहीं। और पिछली बार? अरे पिछली बार तो हम लोग पार्टी के दिए थे भाजपा को। भाजपा को? इस बार मन नहीं बनाया? अरे बनेगा, बनता हुआ भाजपा का ही बनेगा। जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम हुआ सर? सत्य प्रकाश राय जी। राय साहब, कैसा रहा सरकार का काम, 10 साल हो गए, कैसे लगे आपको? बहुत अच्छा रहा। इस तरह की चीज़ें हुई अच्छी, बताइए। अरे सब देश का सुरक्षा हुआ है, सब लोग अपना अपना काम धाम बजे हैं, सबको सुविधा मिल रहा है। किस तरह की सुविधा रही है आपके गांव में? किस तरह की सुविधा रही? अरे रोड की सुविधा हुआ है, राशन पानी का सुविधा हुआ है, और क्या चाहिए? राशन तो पहले भी मिलता था कह रहे? पहले यहाँ इस तरह नहीं मिलता था। हाँ जब देश रहेगा तो हम भी रहेंगे, जब देश ही ना रहेगा तो हम आप क्या करेंगे? लोग कह रहे थे बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, नौकरी। बेरोजगारी तो कोई जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी ही बेरोजगारी, और भी क्षेत्र में है रोजगार, है रोजगार सबको मिल रहा है अपना। लेकिन जो जो लड़का पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो समस्या है ना? कोई समस्या नहीं, प्रतिभा जो अब जब मन से पढ़ेगा तो उसको जगह मिलबे ही करेगा, अब जो घूमने से नहीं ना मिलेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हम तैयारी कर रहे थे और हमारी उम्र भी हो गई, टाइम निकल गया, नौकरियां नहीं मिली। तो भाई ऊपर समय अपने हाथ में नहीं ना है, कोरोना आया उसमें भाई सब लॉकडाउन लगा था। करते क्या है राय साहब? अभी तो फिलहाल में दुकान करते हैं। अच्छा दुकान करते हैं। तो बिजनेस में कुछ दिक्कतें आई आपको? GST वगैरह बढ़ा जैसे? कोई दिक्कत नहीं सर, सब अच्छा चल रहा है। तो वोट कहाँ किए थे, हम कहाँ कर रहे हैं? हम लोग जो देश की रक्षा करेगा उसको करेंगे। किसको करेंगे, वही तो पूछ रहे हैं वोट के बारे में। अरे मोदी है तो मुमकिन है। और पिछली बार कहाँ कर रहे हैं? वो अभी किए थे और आगे भी करेंगे। नौजवान भी खड़े हैं। क्या नाम भैया जी? मेरा नाम विपुल तिवारी है। अच्छा जी विपुल तिवारी जी, क्या करते हैं अभी? अभी तो मैं BA कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा तो कैसे रहे 10 साल नौजवानों के लिए? अभी तो ये ठीक नहीं रहा है, क्योंकि अभी जो BA हम कर रहे हैं ये हो गया सेमेस्टर वाइज, तो हर सेमेस्टर में लोग 1000 रुपये ले रहे हैं फीस, क्योंकि पेपर देने के हर सेमेस्टर में 1000 फीस ले रहे हैं सब। ऐसे जब हम 3000 में करते थे BA, आज हम 5000 में कर रहे हैं, तो कैसे ठीक है? इनकी सरकार ठीक नहीं है, जो ये कोई भी पढ़ाई हो प्राइवेट पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो आपको जब पैसा आपके पास है तो आप प्राइवेट पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। आप कितने भी हो लेकिन जो नॉर्मल परिवार का हो वो प्राइवेट पढ़ाई नहीं कर सकता है। इन सब की सरकार कह रहे हैं महंगी हो गई है पढ़ाई। महंगी हो गई है, जो पढ़ाई आज से 10 साल पहले 2 लाख की थी वो पढ़ाई आज 8 लाख की हो गई है। हाँ और घर की आमदनी पर फर्क पड़ता है, आमदनी वही है लेकिन महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। आज पहले आज जो 54 रुपये जब सरकार मोदी की आई थी तो 54 रुपये डॉलर था, रुपये डॉलर था 54 रुपये, आज हो गया 86 रुपये। ये कहाँ से महंगाई, महंगाई नहीं बढ़ा है सब सरकार में, बहुत महंगाई बढ़ा है और लूट तो बहुत हो रहा है इन सबकी सरकारों में। हाँ यहाँ तो कह रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ लोग कहने जिसको जो समझ में आ रहा है बोल रहा है। अब हम लोग कुछ बड़े लोग हैं, हम तो क्या बोल सकते हैं, हम छोटे हैं। अब हम समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो हम बता रहे हैं आपको, वही बता रहे हैं ना कि जो मैं 3000 में पढ़ाई करता था पहले, जो लड़के 3000 में पढ़ाई करते आज 5000 में कर रहे हैं। आपको लिस्ट दिखा देंगे फीस की। अच्छा आप पढ़ाई कर रहे हैं, नौजवान भी है, रोजगार की किस तरह की स्थिति है आपके क्षेत्र में? देखिए अब 5 साल में UP पुलिस के फॉर्म एक बार आ रहा है 5 साल में, 2017 में आया था, 2023 में आया है ना, 6 साल बाद आया है अभी, तो हम 5 साल बोल रहे हैं। तो ये भी लीक हो गया है? लीक हो गया है 60,000 वैकेंसी। तो ये सरकार की एक भूमिका थी कि हम पेपर करा रहे हैं उसके बाद हम उसको हम रिक कर देंगे। सरकार की योजना थी कि वोट लेना है तो हमको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो लड़के वोट नहीं देने वाले हैं।
अब अखिलेश यादव बोले भी थे एक घर में अगर एक तीन परिवार हैं तो दो करोड़ लोगों का ऐसे होगा, 60 गुड़े चार करिए, 2 करोड़ लोग इन सब वोट नहीं देने वाले हैं इस समय। तो आप ये जो पेपर लीक हुआ आपने भी अप्लाई किया था उसमें? अप्लाई किया था, पेपर देने गए थे यहीं पर, मेरा सेंटर था दुबहड़। तो क्या क्या कुछ परेशानी आई? कुछ परेशानी पेपर दे के निकले, जब घर पहुँचे तो पता चला कि पेपर लीक हो गया, तो कहीं चलो जाओ पूरी खाए चल चलो जाओ, पेपर ही कैंसिल हो गया तो क्या कहा जाए। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई योगी सरकार कानून बहुत सख्त है, व्यवस्था बहुत सख्त। कानून सख्त नहीं है, अपने जाति धर्म के लोगों के लिए, अपने जाति के लिए बस नॉर्मल है, और सब जाति के लिए, जैसे बाबू साहब आप तो ठीक है, अब भुनियार हो गए ब्राह्मण हो गए तो आपके लिए ठीक है, दिक्कत है। सनातन बाबा को हरा दिया गया था, ऐसे मुझे सुनने में आया था, अब मुझे जानता नहीं हूँ, लोग बोल रहे हैं कि सनातन बाबा को हरा दिया गया था, अब पैसे के दम पर, योगी बाबा के दम पर, किसके दम पर हराया गया था उनको। वोट कहाँ कर रहे हैं? अगर मुझे वोट देना होगा तो मैं सपा को दूंगा इस बार, सनातन बाबा को दूंगा। यही दयाशंकर सिंह बोल रहे हैं कि इनकी सनातन बाबा की माँ की मृत्यु हो गई है, वो जिंदा है, वो वीडियो बना रही हैं, बनाकर भेजी हैं सब। पिछली बार कैसे बोल सकते हैं आप, एक विधायक हैं, आप एक पद पर बैठे हैं, आप कैसे बोल सकते हैं किसी को कि उसकी माँ मृत्यु हो गई, उसके बारे में पता करिए पहले। सनातन बाबा हैं, सनातन धर्म का अपना अपमान कर रहे हैं, कहाँ अपमान किए हैं? आपके साथ भी हैं, मेरे साथ भी, सबके साथ हैं वो। पिछली बार वोट कहाँ किए? पिछली बार वोट नहीं देने को मौका मिला था, लेकिन समर्थन बीजेपी को ही था। हाँ, इस बार बदल रहा है, उस समय बहुत मत मिटे थे। ऐसे जरूरी है परिवर्तन, एक सरकार को अब 10 बार दो बार से देख लिए क्या किए, आप सब जानते हैं, जनता भी जानती है। रोड हम ये मान रहे हैं कि नितिन गडकरी जो है परिवहन मंत्री बढ़िया आदमी है, वो रोड विकास कर रहे हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगा, कैसे महंगाई बढ़ेगा? विकास इतना भी नहीं हुआ है कि जितना महंगाई बढ़े। आज 80 रुपये का तेल था, आज 160 रुपये लीटर हो गया है करू तेल, सब देख लीजिए आप। दाल का भी दाम उसी तरह बदलाव कर रहे हैं, इस पर बदलाव होना चाहिए। जी भैया जी, क्या नाम है? हरे राम राय जी। राय साहब क्या करते हैं आप? हम पशुपालन करते हैं। अच्छा, कैसे रहे पशुपालक किसानों के लिए 10 साल? पशुपालन में बहुत दिक्कत है। किस तरह? योगी जी कहते हैं कि पशुओं का बीमा हो रहा है, हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये लाओ वो लाओ, उसमें बहुत दिक्कत है। लोन भी उस पर पास नहीं हो रहा है। तो आपने कराया था लोन के लिए? दौड़ रहे थे, कह रहे थे कि ये लाओ वो लाओ, रजिस्ट्री का कागज लाओ। हमारा भूम खुद है, हम रजिस्ट्री का कागज कहाँ से लाएं, उसी को रजिस्ट्री करवाएं। योगी जी तो कह रहे हैं कि यूपी में बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, तो किसान तो चाहते हैं कि और पशुओं को बढ़ाया जाए, रोजगार बढ़ाया जाए, लेकिन उस पर लोन नहीं मिल रहा है। फर्जीवाड़े वाले को लोन मिल जा रहा है, जो घूस देता है और जो सही है उसको नहीं मिलता है। ये तो कह रहे हैं हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। अब भ्रष्टाचार तो अब क्या कहें, वीडियो बनाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा सबको, कहीं चलिए, थाना हो, कचहरी हो, जहाँ जाएंगे पहले पैसा, उसके बाद कोई कार्य। तो जैसे दूध का व्यापार भी करते हैं हम? हाँ, दूध का व्यापार करते हैं, लेकिन उसका सही दाम नहीं मिलता है। सही दाम नहीं? नहीं। और जैसे GST वगैरह लगा है? कुछ नहीं, ये सब क्या कहा जाए। तो क्या देख रहे हैं इस बार, किधर वोट कर रहे हैं? इस बार तो हो सकता है कि बदलाव हो। और पिछली बार कहाँ किए थे? BJP को दिए थे। इस बार बदलाव का हो सकता है कि बदलाव होगा? हाँ। तो क्या नाम भैया? अंकुश तिवारी नाम है। अंकुश क्या करते हैं अभी? मैं पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं जी। अच्छा, कैसे रहे छात्रों के लिए इस साल? छात्रों के लिए मोदी सरकार बहुत अच्छा रहा है, और मेरा पहला मतलब वोट देने जा रहा हूँ मैं लोकसभा में, और मेरा पहला वोट ही मोदी हो जाएगा। मेन बात यह है कि उन्होंने जो देश के लिए कर दिया है, अभी तक 70 साल में देखने तो किसी ने नहीं किया है। रोड देख ले, मुफ्त अनाज आप 4-5 सालों से ले रहे हैं, बताइए, और देश सुरक्षा, रोडवेज और गैस सिलेंडर मेन। और पहले की सरकारों में देख लें तो गैस सिलेंडर के लिए बहुत दिक्कतें आती थी, आप लाइन में लगते थे, आज बुक करने से पहले आपको मिल जाएगा। किन लोग कह रहे हैं महंगा बहुत हो गया है? महंगा कैसे हो गया है? 1200 का हुआ अभी। आप ये नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने कैसी कैसी सुविधाएं आपको दी हैं। मेडिकल लाइन में जाके देख लीजिए, जिनको सिलेंडर मिला था, जिन बहनों को सिलेंडर मिला था, एक बार भरवाने के बाद फिर वो घर पे रखा है, वो कह रहे हैं कि हम चूल्हे पे ही बना रहे हैं, इतना पैसा नहीं है। वो उनकी दिक्कत है ना, सरकार आपको उपलब्ध करा रही है, आप उसका यूज करिए। आप उसका यूज करेंगे तब ना, अब सरकार तो आपके घर आके बनाएगी नहीं। रोजगार भी तो चाहिए ना, उसके लिए आमदनी भी तो चाहिए ना। देखिए, बेरोजगार उन्हीं लोग जिसके पास योग्यता है, स्किल है, वो बेरोजगार थोड़ी है।
ये जो अभी भर्ती में जिन्होंने अप्लाई किया था उनके पास स्किल ही तो थे, वो भर्ती रही रोजगार उनको भी नहीं। नहीं नहीं ऐसी बात, जिसके पास योग्यता है, डिग्री है, पढ़ाई है, वो बेरोजगार नहीं है। बाकी आप बाहर निकल के देखिए, वोट भाजपा को जी, मेरा वोट भाजपा ही को जाएगा। हम लोग बलिया लोकसभा सीट के हैबतपुर गांव में थे, जहां पर हमने खासकर भूमिहार समाज से और अन्य लोगों से भी बातचीत की। लोगों का यहां मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार से नाराज़गी भी है और कुछ लोग समर्थन में भी है। जुड़े रहे सीसे से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।